सुरासुर मनुषिन्दवन्दितं दो दिखायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए जिनागम के सार रूप में पांच बिंदु अपन ने जो निर्धारित किए थे उनमें से अंतिम बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। वैसे तो पूर्वोक्त चार बिंदुओं से सब कुछ स्पष्ट हो जाने के कारण आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने के लिए उतना ही पर्याप्त है, परंतु कर्तृत्व का अहंकार अनादि से इतना अधिक सवार है अपने ऊपर कि यद्यपि हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी करने 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 की चिंता से एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, और बस इसलिए उपयोग अंतरोन्मुखी नहीं हो पाता। कोई ऐसा जिम्मेदार मिल जाए कि जो अपने कामों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ले, तो अपन उसके भरोसे काम छोड़कर आराम से अंतरोन्मुखी हो सकते। विश्व में तो और कोई भी ऐसा जिम्मेदार नहीं है, पर क्रमबद्ध पर्याय यानी प्रत्येक द्रव्य की ही अनादि अनंतकालीन पूर्ण सुव्यवस्थित सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था, यह अवश्य एक ऐसा जिम्मेदार है कि जो पूर्णतया अपने को निश्चिंत कर देता। बस इतने से के कारण इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय एक सर्वमान्य तथ्य है और संपूर्ण जीनागम इसका पोषक है। इस पर चर्चा करते हुए कल द्रव्यानुयोग पर अपनी चर्चा हो रही थी, चरणानुयोग पर तो पूरी हो गई थी, कल द्रव्यानुयोग पर छूटी थी। वहां से अभी विषय अपन आगे बढ़ाते हैं। उसमें भी एक बिंदु जो कल रह गया था कि चरणानुयोग के बाद द्रव्यानुयोग क्यों, कि अपने यहाँ एक क्रम है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, यानी पहले प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग। प्रारंभिक तीन की चर्चा तो अपन ने कर ली थी कि जो अत्यंत हठाग्रही दुराग्रही व्यक्ति मात्र बस आंखों देखी बात ही स्वीकार करता है, बाकी कुछ मान्य नहीं, तो उसको कथानकों के माध्यम से पूर्वभव परभव की घटनाएं सुनाकर और परोक्ष रूप में स्वर्ग नरक स्वीकार करा देते हैं। अब जब स्वर्ग नरक स्वीकार हो गए तो क्या है, कैसे हैं, किन परिणामों से मिलते हैं, ये बताना आवश्यक है। इसके लिए कर्णानुयोग बताया, किन परिणामों से मिलते हैं, इनमें मुख्य है पुण्य पाप, तो इसलिए पुण्य पाप की चर्चा चरणानुयोग में की। अब इसके बाद में चूंकि इतना सब ये जीव समझ चुका तो इतना तो इसके ज्ञान में आ जाता है कि इन सब के फल में तो मात्र चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ही हुआ, यहां से वहां, वहां से वहां, फुटबॉल जैसे बस उछलते ही रहे, कहीं स्थिर नहीं रह पाए, और स्थिर नहीं रहे तो सुख शांति भी नहीं मिली। तो
अब इसका ये भाव जागृत होता है कि कोई ऐसी भी स्थिति है कि जहां पूर्ण सुख शांति रहे, फिर वहां से भटकना ना पड़े, और यदि है तो उस दशा को पाने के उपाय क्या है। बस इन प्रश्नों के उत्तर में आ जाता है द्रव्यान योग कि हाँ है एक स्थिति सिद्ध दशा और उसे पाने का उपाय शुद्ध उपयोग। तो इसके लिए फिर पूरे विश्व व्यवस्था वस्तु व्यवस्था समझाना और कैसे आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ होता, ये सारी चर्चा द्रव्यान योग में आ जाती। इस कारण चरणान योग के बाद द्रव्यान योग को स्थान मिला। द्रव्यान योग के दो बिंदुओं के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि अपन ने संक्षेप में की थी। एक तो प्रवचन सार का दूसरा अधिकार गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जिसमें बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा है कि अनादि अनंत कालीन प्रत्येक पर्याय इस क्षेत्र जैसे ही सुनिश्चित अकारण। क्षेत्र के संदर्भ में किसी को शंका नहीं होती कि भाई ये भूमि यहीं क्यों, सब है बस है। तो उन्होंने क्षेत्र को उदाहरण बनाया और क्रमबद्ध पर्याय को सिद्धांत, और कहा कि जैसे ये संपूर्ण क्षेत्र यानी पूरा आलोकाकाश सहित रंच मात्र भी अव्यवस्थित नहीं है और किसी हेतु से सुनिश्चित नहीं है, अकारण सुनिश्चित, किसी ने उसे सुनिश्चित किया नहीं कि इतनी जगह तो मध्य लोक की और इतनी जगह ऊर्ध लोक की हो, फिर ये इतनी अधोलोक की हो, अकारण। तो जैसे क्षेत्र अनादि अनंत अकारण सुनिश्चित है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत कालीन अनंत अनंत पर्याय अपने अपने समय पर पूर्ण सुनिश्चित हैं। वे अपने समय पर प्रकट होती हैं, अपने समय पर व्यय हो जाती हैं, उनका अपना अपना उत्पत्ति का एक जन्म क्षण है, उसमें किसी का कुछ भी वश नहीं चलना, यानी सारा परिणमन पूर्णतया क्रमबद्ध है। ये तो प्रवचन सार के दूसरे अध्याय के माध्यम से स्पष्ट हुआ। समय सार जी कल ने तो कर्तृकर्म अधिकार में प्राप्त विकारी और निर्वर्त इन तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा कई कई गाथाओं और टीकाओं में करते हुए आचार्य ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जो स्वयं में उपादान है, बस उसको लेकर के ये तीन प्रकार के एक परिणमन के नाम पड़ जाते हैं। यानी कोई सी भी जो एक पर्याय प्रकट हुई है, उसे यदि त्रिकाली उपादान की ओर से देखते हैं तो वो प्राप्त कर्म कहलाता, क्योंकि अनादि से है ही वो, तो उसमें सुनिश्चित बस इस समय व्यक्त हो गया वो। यदि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य के व्यय की अपेक्षा देखते हैं तो वो विकारी है, क्योंकि पहले से एकदम उल्टा। और यदि तत् समय की योग्यता रूप उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य के उत्पाद की ओर से देखते तो वो पूर्णतया निर्वर्त, नई रचना हुई, पहले कहां थी वो। पर इन सब में एक द्रव्य ही फैला हुआ है, कोई अन्य द्रव्य पसरा नहीं है, और वह भी अपने अपने क्रम से हो रहा, इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणमन पूर्ण सुनिश्चित है अहेतु। यहां तक कल चर्चा हो गई। अब इससे आगे द्रव्यान योग में अनेक अनेक बिंदु हैं जिनसे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती। क्रमशः अपन एक को देखते हैं, दो तो ये अपने हो गए। अब इससे आगे समयसार जी की ही 308वीं से 311वीं गाथा की टीका, पूज्य गुरुदेव श्री ने मूल आधार इस प्रकरण को ही बनाया और इसके आधार से ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव की इतनी अधिक स्पष्टता की कि उनके वे अमृतोपम प्रवचन
ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और बराबर पूरे संकलित उसका नाम ही ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव। बहुत अजब गजब की कैसे सिद्ध की कि वहां जीव और अजीव के संदर्भ में अलग अलग वाक्य हैं। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य माना जीवा एव न अजीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य माना अजीवा एव न जीवा। ये जो दो वाक्य अमृतोपम वाक्य कि जीव कितना ही परिणमन करे अपने क्रम नियमित परिणमन से उत्पन्न होता हुआ अनादि अनंत जीव ही रहता है, बदलते 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 कभी अजीव नहीं हो जाता और अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ हमेशा अजीव ही रहता है, बदलते 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 कभी जीव नहीं हो जाता। तो क्रम नियमित यानी क्रमशः परिणमित हो रहा है और पूर्ण सुनिश्चितता पूर्वक परिणमित हो रहा है। तो क्रमशः और पूर्ण सुनिश्चितता इसके आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती। यदि क्रमशः परिणमित नहीं हो तो वास्तव में प्रति समय चल ही नहीं सकता परिणमन। देखो ऐसा नहीं, ये रैली वगैरह निकालते हैं खास करके बच्चों के, कभी कभी बड़ों के भी निकाल लेते हैं, तो यदि बिल्कुल क्रमशः मतलब लाइन बना करके ही चल रहे हो तब तो बराबर अखंडता बनी रहती, एक के बाद एक, तो बीच में गैप नहीं पड़ता। पर कभी अपनी ऐसे भीड़ चल रही हो स्वच्छंदता वाली तो अपन फिर अपने अपने ग्रुप बना लेते दो दो चार चार के, क्योंकि गप्पें करनी होती है ना, और कोई अवसर मिलता नहीं, यही अवसर तो मिला है तो वो अपने अपने ग्रुप बन जाते। तो उसमें फिर अव्यवस्था क्या हो जाती कि वो अगला ग्रुप आगे निकल गया और पीछे तो अपने गप्पों में ही मस्त, बीच में जगह खाली हो जाती। यानी यदि क्रम नहीं रहा तो नियम से ये परिस्थिति बननी है, अखंड प्रवाह चल ही नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य में अनादि अनंत कालीन पर्यायों का अखंड प्रवाह चल रहा, इसका मतलब ही कि वो पूर्णतया क्रमशः है। अब यदि क्रमशः है तो फिर वो सुनिश्चित भी होना चाहिए, क्योंकि यदि सुनिश्चित नहीं हुआ तो फिर वही अपन अपनी रैली का ले लें कि ये तो निश्चित कर दिया कि एक के बाद एक चलना है, पर किसके बाद कौन, तो फिर धक्का मुक्की होगी, वो कहेगा हम आगे, वो कहेगा हम आगे, तो फिर समस्या बनेगी। तो अकेला एक के बाद एक चलना है इतना ही निश्चित करने से काम नहीं चलेगा, किसके बाद कौन ये भी निश्चित करना पड़ेगा, तब कहीं वो रैली व्यवस्थित ढंग से निकल पाएगी। पर्यायों का प्रवाह क्रम भी ऐसा ही, तो उसमें भी एक के बाद एक मात्र इतना ही नहीं, किसके बाद कौन ये भी सुनिश्चित। पर चूंकि द्रव्य अनादि अनंत है, और कितना बड़ा अनादि अनंत कि जितना बड़ा काल द्रव्य का परिणमन उतना बड़ा, इसलिए अपने आप ही काल द्रव्य के परिणमन रूप एक एक समय पर प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है अपने आप ही। तो वहां व्यवस्था हमें नहीं देनी पड़ी, रैली में तो व्यवस्था करनी पड़ेगी किसके बाद कौन, पर वहां तो काल द्रव्य के एक एक समय से प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय पूर्णतया बंधी हुई, इसलिए अपने आप ही व्यवस्था कि वहां कौन सा समय तो यहां कौन सी पर्याय। साइकिल का वो था ना इनसे, एक तो वो चैन और एक वो उसमें लगे हुए दांत है जैसे, तो वो चैन के जितने खंड दांतों के उतने ही वो दांत पूरे बराबरी से,
तब जैसे वो घुमाया तो वो अपने आप ही एक एक दांते में वो एक एक खंडे घुसता जाता है। और कम ज्यादा हो जाए तो दांते कम हो और चैन के खंड अधिक हो जाएं, अथवा दांते अधिक हो जाएं और चैन के खंड कम हो जाएं, तो एक पॉइंट भी साइकिल चल पाएगी? अरे बिल्कुल बराबरी से। इसलिए बस अपने आप खचित होते जाते और साइकिल आगे बढ़ती जाती। वो काल द्रव्य का समय अपन समझ लें दांते, और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन समझ लें वो खंड चैन के। तो एक एक समय पर एक एक खंड, यानी एक एक दांते में एक एक खंड वो घुसता जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के समय के अनुसार बंधा हुआ है, इसलिए कहीं भी हमें व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप ही पूर्ण है, सुनिश्चित। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार के दूसरे अध्याय की टीका में कई जगह अनुस्यूति क्रम से रचित प्रवाह क्रम इस शब्द का प्रयोग किया। अनुस्यूति धारावाही, कंटिन्यूटी, बिल्कुल लिंक जुड़ी रहे, यानी अकेला प्रवाह नहीं, बिल्कुल क्रमशः। यानी जैसे वो चैन का, तो अकेला इतना ही सुनिश्चित नहीं है कि किस दांते में कौन सा खंड फंसेगा, चाहे जिसमें चाहे जो फंस जाएगा चल जाएगा, कि बराबर क्रम, कि वो दांते भी वहां क्रम से लगे हों, चैन में खंड भी क्रम क्रम से, तो बराबर क्रम क्रम से वो फंसते जाएंगे तो चलेगी साइकिल। और अक्रम हो गया तो कभी कभी होता ना चैन उलझ जाती, तो उलझ जाती तो वो खंड एक के ऊपर एक चढ़ जाता, परिणाम क्या निकलता? फिर वो साइकिल चल पाती कि गिरता है, और साइकिल भी गिरती और चालक भी गिरता। यानी थोड़ा सा भी यदि अक्रम हुआ तो गड़बड़, वो तो चूंकि कृत्रिम वस्तु है तो वहां तो अक्रम की गुंजाइश रहती। ये वस्तु व्यवस्था कृत्रिम थोड़ी है कि जहां ये लचर चले, ये तो अकृत्रिम, तो पूरी की पूरी सुव्यवस्थित। यानी यहां कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है कि वो पर्यायों का क्रम एक के ऊपर एक चढ़ गया और इसलिए वो समय में फंसने में गड़बड़ी हो गई, यहां कभी भी ऐसा होने वाला नहीं। तो ये जो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम है, इससे भी सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अकेला एक के बाद एक ही नहीं, बल्कि किसके बाद कौन सा, इस रूप में भी पूर्ण सुनिश्चित। अब इसके साथ ही अपन 47 शक्तियों को देख लें। दूसरे संदर्भ में तो अपन देख चुके स्वभाव की सामर्थ्य के संदर्भ में, पर अब इसके संदर्भ में कि जो भाव अभाव वाली 6 शक्तियां मात्र बस एक काम के लिए समर्पित, कि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणमन पूर्णतया स्वतंत्रता से सुनिश्चित क्रम में एक के बाद एक चलता रहे, इसके लिए 6 शक्तियां भाव अभाव, भाव भाव, अभाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, कि वो क्रम बिल्कुल भंग ना हो। ये अकेले जीव में पाई जाने वाली शक्तियां नहीं है, 47 शक्तियां जो हैं वो अकेले जीव में ही नहीं पाई जाती, जो विशेष गुण वाली शक्तियां हैं वे तो जीव की, जैसे जीवत्व है, चिति है, ज्ञान है, दृष्टि है, सुख है, ये तो जीव की, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्श, ये तो जीव की। बाकी बहुत सारी शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में पाई जाने वाली, उनमें से ये वाली शक्तियां भी, ने भाव अभाव शक्तियां भी, षटकारक वाली शक्तियां भी, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, अकारिकारणत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, यानी बहुत सारी शक्तियां ऐसी कि जो सब में पाई जाती, यानी वो सामान्य शक्तियां हैं। मुझे तो अभी इन 6 शक्तियों की चर्चा करनी कि ये भी ऐसे ही सामान्य शक्तियां, यानी प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान। तो प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय वर्ती एक एक पर्याय अपने क्रम में
पूर्ण सुनिश्चित सुव्यवस्थित पद्धति से प्रकट हो जाए, द्रव्य को पर्याय से रहित नहीं रहना पड़े, कभी पर्यायों में धक्का मुक्की ना हो कि नहीं पहले मैं जाऊंगी तुम बाद में, वो कहे नहीं पहले मैं जाऊंगी तुम बाद में, तो ऐसी अव्यवस्था ना हो, कभी एक साथ दो पर्याय व्यक्त ना हो जाएं, जो एक बार व्यक्त हो गई वो ही कभी द्वारा थोड़ी ढीट हो ना ज्यादा पावरफुल तो घुस जाए, नहीं मैं तो द्वारा अवसर लूंगी, तो ऐसा ना हो, हमेशा नई नई ही प्रकट हो, एक समय के लिए ही प्रकट हो, जाने के बाद कभी भी द्वारा नहीं आवे, द्रव्य कभी भी पर्याय से रिक्त ना रहे, कहीं भी कोई जिद करके भी जबरन ना बैठ जाए, ये सारी व्यवस्था बनाने वाली है छह शक्तियां, भाव अभाव, भाव भाव, अभाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, और प्रत्येक द्रव्य में, इससे भी ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन पूर्ण सुनिश्चित है। अब इससे आगे कर्तृकर्म अधिकार में ही जीव का परिणामित स्वभाव और अजीव का परिणामित स्वभाव पूर्ण स्वतंत्र है, ये सिद्ध किया पांच पांच गाथाओं के माध्यम से। कौन सी वो गाथाएं हैं? 116 से 125 तक पांच पांच गाथा है, तो 116 से 120 तक जीव वाली और फिर 121 से 125 तक अजीव वाली। उन टीकाओं में दो सूत्र दिए, दूसरे संदर्भ में आपको याद करने को भी कहा था, बहुत गजब के सूत्र, नमोकार मंत्र जैसे हमेशा याद रखने योग्य। अपना सारा कर्तृत्व का अहंकार समाप्त कर दें, अपनी दीनताहीनता समाप्त कर दें, पराधीन वृत्ति समाप्त कर दें, और इसके बल पर फिर जो परमुखापेक्षिता चलती, कोई हमें कुछ कर दे, कोई सहयोग दे दे, ये सारी समस्याएं समाप्त। क्या है वो सूत्र? नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते, कि जो स्वयं में शक्ति नहीं है वह किसी भी कीमत पर दूसरे के द्वारा लाई जानी असंभव, और नहीं वस्तु शक्तयः परम अपेक्षन्ते, कि वस्तु की शक्तियां दूसरों की अपेक्षा नहीं रखती। अरे लोक में भी शक्ति उसे ही कहते कि जिसमें दूसरे की मदद ना लेनी पड़े। देखो ऐसा कहें, मैं कहूं कि देखो मुझ में इतनी शक्ति है कि 20 किलो का वजन लेकर के और मैं आराम से 4 मंजिल पर चढ़ सकती, 20 किलो का वजन लेके आराम से 4 मंजिल पर चढ़ सकती। तो आपने कहा चढ़ के बताओ, तो ठीक है चढ़ते। अब वो 20 किलो का वजन लिया और फिर कहूं बस थोड़ा सा सहारा देके हमारे कंधे पर अथवा सिर पर रखवा दो, नहीं चढ़ जाऊंगी मैं, बस थोड़ा सा सहारा दे दो, क्या कहेंगे आप? फिर डींगे क्यों हांकती? अरे मैं चढ़ सकती का मतलब क्या कि बिल्कुल बिना किसी सहारे के, तब तो वो शक्ति कहलाएगी ना, और सहारा लेने की आवश्यकता पड़े तो शक्ति कहलाएगी, कमजोरी कहलाएगी। कि नहीं बस थोड़ा सा सहारा दे दो, कंधे पर रखवा दो, ऊपर सिर पर रखवा दो, कोई मानने वाला नहीं है कि शक्ति है, सभी कहेंगे कमजोर हो। तो यदि ये वस्तु की शक्तियां हैं और अनंत अनंत है, एक दो नहीं, तो वे शक्तियां शक्तियां कब कहलाएंगी कि वे पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता से अपना काम करने की ताकत रखती हो तब। और यदि कोई शक्ति कहे कि नहीं काम तो मैं कर लूंगी बस थोड़ा सा सहयोग, तो वो शक्ति नहीं कहलाएगी, वो कमजोरी कहलाएगी। और प्रत्येक वस्तु कमजोरियों का पिंड नहीं है, शक्तियों का पिंड है, अनंत अनंत शक्तियां हैं, कमजोरियां नहीं, कमजोरी तो नादानी का परिणाम। इसीलिए ही
शक्तियां उछलती हैं। कमजोरियों को उछलना नहीं कहा, वो तो नादानी है, वो तो अपनी मूर्खता है। उछलना किसको कहा? शक्ति। तो वस्तु की कोई सी भी शक्ति पर की अपेक्षा नहीं रखती। इसका मतलब वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन, और जो शक्ति स्वयं में नहीं है वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं लाई जा सकती। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसे ही इष्टोपदेश में और दूसरे तरह से सिद्ध किया। ये भी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, पर वो दूसरे संदर्भ में थी, अभी दूसरे संदर्भ में। तो क्या लिखते हुए? नाग्यो विज्ञत्तो मायाति, विज्ञो नाग्यत्तो मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गतेर धर्मास्ति कायवत्। कि कोई कितना ही अच्छा पढ़ाने वाला हो, अज्ञ को विज्ञ नहीं बना सकता। भगवान ऋषभदेव मारी जी को सम्यक ज्ञानी नहीं बना सके, थोड़ी कसर छोड़ी होगी, ताकत नहीं होगी उनमें, जानते नहीं होंगे अच्छे से, है ना? कि यदि वो जीव स्वयं अज्ञ रहता है तो सामने वाले में किसी में भी ऐसी ताकत नहीं कि वो उसको विज्ञ बना दे, और विज्ञ को अज्ञ नहीं बना सकते, यानी विद्वान हो, कोई उसका सुने ही नहीं, कोई उसे समझे ही नहीं, तो उसके ज्ञान का दूसरे लोग उपयोग नहीं कर रहे, तो अब तो वो बैठा बैठा पर मूर्ख हो जाएगा ना। क्यों? कार यदि आप चलाए ना तो बेकार हो जाती ना, घड़ी भी चलाए ना, यानी सेल तो उसमें फिट कर दिया पर उल्टा करके कि भी चले ना, तो धीरे धीरे वो सेल खत्म हो जाता बिना चले। तो ऐसी शक्ति है कि हमने काम में नहीं ली तो धीरे धीरे धीरे, कि वो शक्तियां है ना, हा? इसलिए रंच मात्र भी पर की अपेक्षा नहीं रखती। काम में लिया हो तो, वो काम में नहीं ली हो तो, वे तो अनादि अनंत पूर्णतया सुरक्षित। तो ये जो दो सिद्धांत, इससे भी प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था सिद्ध होती, कि वो द्रव्य अपने अपने हिसाब से चल रहा, अव्यवस्थित की व्यवस्थित, व्यवस्थित चल रहा, तो इससे भी उसकी सिद्धि। इसके बाद एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण, सर्वज्ञता, द्रव्यान योग का अहम प्रकरण। वैसे तो संपूर्ण ही जिनागम का मूल आधार, यानी यदि अपन सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करें तो चारों अनियोगों में से कुछ भी कह सकने की हिम्मत रख सकते। यानी राजकुमार ऋषभदेव के पिता का नाम नाभि राजा, माँ का नाम मरुदेवी था। आप देखिए, आपने देखा, मिले थे आप, तो कैसे जाना? तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, यानी यदि सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करेंगे तो इतना सा भी वाक्य नहीं बोल सकते। 16 स्वर्ग हैं, आप देखिए आए, तो कैसे कह सकते? मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं, 84 लाख उत्तर गुण होते हैं, सिद्ध भगवान 18,000 शील के स्वामी हो जाते, आप देख के आए, गिने, कैसे कह सकोगे? विश्व में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य ही हैं, संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्य ही हैं, धर्म द्रव्य बस मात्र एक ही, अधर्म द्रव्य भी एक ही। क्यों? जब सब इतने सारे तो धर्म अधर्म एक एक ही क्यों? ज्यादा होंगे तो? यानी यदि सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करें तो बोलो एक वाक्य भी कहना संभव है? अरे और तो छोड़ो, हम मनुष्य पर्याय में हैं, बोलो कैसे कह सकते? यानी इस पर्याय को मनुष्य पर्याय कहते, कहां से जाना आपने?
यदि त्रियंज कहते होंगे तो बोलो क्या प्रमाण इसका, सब सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया ऐसा जो होता वो मनुष्य कहलाता। बोलो स्त्री पर्याय में है कि नहीं, यदि पुरुष होंगे तो बोलो कह सकते कि भगवान ने कहा है कि ऐसा ऐसा हो तो वो स्त्री कहलाती, ऐसे ऐसे हो तो पुरुष कहलाते। यानी सर्वज्ञता की अस्वीकृति में एक वाक्य कहना संभव नहीं होगा। ये जो दिन है ना अभी, ये सूर्य के उदय के कारण, ये सूर्य कहलाता है किसने बताया? यदि चंद्रमा कहलाता हुआ तो, और ये दिन नहीं ये रात कहलाता हुआ तो नहीं हो सकता, हो सकता नहीं। अपने मनोकल्पना के अनुसार नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाशित जिस समय हो तो वो दिन कहलाता, जब नहीं हो तो रात कहलाती। यानी एक वाक बोलना असंभव हो जाएगा यदि सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करेंगे तो। यानी सर्वज्ञता इतना गजब का बिंदु है, अपना संपूर्ण जिनागम सर्वज्ञता के बल पर टिका हुआ। सर्वज्ञ भगवान मतलब तीन कालवर्ती संपूर्ण पर्यायों को प्रत्यक्ष जानने वाले, अलोकाकाश सहित लोकाकाश को, तीन कालवर्ती। तो पहले की तो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपन भी जान लेते, यानी अपना बचपना काफी कुछ अपने को पता है, वर्तमान हो रहा तो जान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर भविष्य तो अभी हुआ ही नहीं ना, तो कैसे जान लेंगे? कि हुआ नहीं है पर पूर्ण सुनिश्चित है इसलिए जान लेते। और कितना सुनिश्चित, प्रवचन सार जी की 200वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते कि केवल ज्ञान में जो गेज झलक रहे ना, पतक कैसे, मानो खचित हो, डूब गए हो, उत्कीर्ण हो गए हो, कीलित हो गए हो। कीलित का मतलब जैसे एक कील है तो यहां बिल्कुल कीलित हो गई। अब हटाओ इसको, ये अपनी ये उत्कीर्ण है, डिजाइन है, हटाओ इसको, ये चिपकाई नहीं है, ये लकड़ी में खोद दिया गया, तो हटाओ इसको। तो ऐसे ही है सब गेय, यानी केवल ज्ञान में उनको कीलित, जैसे कील दिए हो, एक एक टंकोत्कीर्ण टांकी से उकेर दिए हैं, खचित जड़ दिए हैं, इतने सुनिश्चित होकर के झलक रहे, तो इसका मतलब वो सुनिश्चित होंगे ना। यदि नहीं होते तो फिर सर्वज्ञ भगवान भी ऐसा जानते कि जो मारीची है ना, यदि आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करेगा तो शायद तीर्थंकर बन सकता है, और नहीं करे तो शायद नहीं भी बने, अभी तो इसके ऊपर निर्भर है। बोलो, अरे इतना तो अपने को बर्दाश्त नहीं होता। ज्योतिषियों की दुकानें चलती ना, और बहुत पता कितनी, मैं अभी इतना कितनी कुछ समझाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप ऐसे कर रहे थे और मेरी दृष्टि पड़ गई, अरे तो बहुत सब अच्छा, आप ज्योतिषी भी जानते, अब देखना मजा। अब तो इतनी भीड़ कि आखिरकार वो भावेश भाई का मकान मालिक कह देगा, भैया हमारी लिफ्ट का इतना उपयोग मत करवाओ, तो लिफ्ट गड़बड़ हो जाएगी। बोलो, यानी एक थोड़ा सा भ्रम भी हो जाए कि हाँ ये ज्योतिष भी जानते, फिर देखना मजा। और फिर तो यदि 1000-1000 रुपए भी अकेले देखने के लगा दूं ना, सब फ्री में नहीं, हम तो 1000 रुपए लेंगे। अरे 1000, आप 10000 बोलो ना, बस देख के बताओ तो सही। बोलो, यानी इतना ढेर लग जाएगा रुपयों का कि फिर मंदिर वालों को सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे बढ़ाए, आराम से कोई सी भी जगह किसी भी कीमत पर, क्यों खूब खूब रुपये आ जाएंगे, तो किसी भी कीमत पर अगल बगल की जगह लेके और आराम से विस्तृत कर लेंगे, इतनी कमाई हो जाएगी। यानी
अपना मन ये स्वीकार करता है कि है तो भविष्य सुनिश्चित, हम नहीं जान पा रहे, कोई जान सकता है, तो यदि शंका भी हो जाए कि हाँ ये जान सकते, फिर देखो मुझे। अब वो ज्योतिषी ये कहे, मान लो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया हो किसी विद्यार्थी ने, अब वो शंकाशील, तो वो गया ज्योतिषी के पास, पूरी फीस दे दी उसकी। वो ज्योतिषी उत्तर में ये कहे, देखो बेटा अभी रिजल्ट तो आया नहीं, हो सकता सिलेक्ट हो भी जाओ और हो सकता, तो बोलो क्या कहेगा वो, कि तो हम ही जानते हैं, इसके लिए तुम्हारे पास आए हैं क्या, ये तो हम ही जानते कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हम तो आपके पास इसलिए आए कि आप बिल्कुल पक्का बताओ, कन्फर्म बताओ कि क्या होने वाला। इसका मतलब वो भी स्वीकार तो करता है कि सुनिश्चित है, बस हमें पता नहीं है। बोलो कितना बड़ा एक, जब एक साधारण सा ज्योतिषी वो भी ये जान लेता अपने गणित आदि के माध्यम से, तो सर्वज्ञ भगवान, प्रवचन सार के पहले अधिकार में ही सर्वज्ञता की बहुत दृढ़ता से सिद्धि की, बहुत 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 तर्क युक्ति, इतने ही नहीं भावात्मक रूप में, और भावात्मक रूप में सिद्ध करते 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 यहां तक लिख दिया, भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को यदि प्रत्यक्षवत नहीं जानते हो तो ऐसे ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा, फिर तो वो हमारे जैसे ही हो गए कि अनुमान से हम भी जानते शायद ऐसा हो सकता, तो भगवान भी ऐसे ही जाने, तो उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। तो दिव्यता किस कारण कि वे पूर्णतया सुनिश्चित जानते और हम नहीं जान पाते, इसलिए हमारा ज्ञान दिव्य नहीं उनका ज्ञान दिव्य। ये जो सर्वज्ञता एक क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का अपने पास सर्वोत्कृष्ट आधार, क्यों, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान को तो सब स्वीकार करते। कभी कभी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो वो चर्चा अपन बाद में करेंगे, पर अधिकांशतया तो स्वीकार कर लेते। तो जहां ये कहते हैं जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरारे, अन देखो होसी नहीं कब हूं, काहे होते अधीर, तो फिर चुप होना पड़ता। अच्छा सर्वज्ञ भगवान ने देखा, ठीक है भाई देखा है तो हो गई होगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान प्रमेयत्व गुण ये भी सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता की सिद्धि कर देता। किसे कहते प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने। अब किसी ना किसी का मतलब कि कदाचित हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने, जानने की क्षमता कम है, तो मध्यश्रुत ज्ञान का विषय नहीं बने, अवधि ज्ञान ही जान लेंगे। कदाचित वे भी नहीं जान पाए तो मना परे ज्ञान ही जान लेंगे। कदाचित वे भी नहीं जान पाए तो हम अजाने रह जाएंगे, ऐसा नहीं, केवल ज्ञान तो नियम से जानेगा ही जानेगा, यानी उससे छिप पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अकेले सत कोई नहीं, असत को भी, यानी जो जो विद्यमान है उसी कोई नहीं, जो अविद्यमान है ऐसी हमारी कल्पना लोक की उड़ानों को भी जान लेते और शेख चिल्ली के सपनों को भी जान लेते। देखो अपने को उन पर हंसी आ रही, अपन अपनी अविद्यमानता का ही ले लें। आज तक कभी भी कोई शरीर किसी भी जीव का बना है, कोई सा भी शरीर, और अपन सब मान रहे कि मैं हूं, मेरा है और मेरा पूरा अधिकार इस पर चलता है, मैं जैसा चाहूं वैसा इसका होगा,
तो बोलो सत हुआ कि असत हुआ, और भगवान जान दे कि नहीं जान दे। मैंने इसका ऐसा कर दिया, मैंने उसका वैसा कर दिया, सत है कि असत। एक दिन वो कलर्स लिया था ना अपन ने 94 नंबर का, अपनी सीमा कहां तक, विकल्प तक, बाकी उसका उसकी योग्यता अनुसार होगा। तो हम तो उसके करने में असत हो गए ना, यानी कदाचित हमें करने का विकल्प आया होगा, और वो विकल्प बहुत तेजी से भी चले हो सकते हैं, खूब खूब आकुलता भी भोग ली होगी, पर बस यहीं तक हमारी सीमा थी ना, इससे आगे तो नहीं। तो पर उसका हमने किया ये बात क्या रही, सत की असत, और फिर भी अपन मान रहे कि नहीं मान रहे, और इसे भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है कि जो ये मानता मैंने रोटी बनाई, बढ़िया रोटी बनाई, बढ़िया फुल्का, है कोई ऐसा पागल व्यक्ति क्या कहें, बोलो पागल नहीं तो क्या। यानी उन असंख्य असंख्य परमाणुओं में मानो कुछ भी ताकत नहीं है, बस हम ही सर्वे सर्वा, तो हम अपना भी करते, उनका भी करते, सबका करते हैं, बहुत पावरफुल है ना, तो क्या कहा जाएगा इसको। तो ये सब जान रहे कि नहीं जान रहे भगवान, यानी जो जो जैसा जैसा है अकेला उतना ही नहीं जान रहे, जैसा नहीं है फिर भी अपन अपनी मान्यताओं में मान रहे बिल्कुल असत, बिल्कुल हवाई महल, और वो भी भगवान जान रहे कि ऐसा भी है। अरे जो कार्टून आदि बनाते ना लोक में वैसे होते हैं, और फिर भी वो बनाते कि नहीं बनाते, तो भगवान जानते कि नहीं जानते कि ऐसा मनुष्य, उसके ऐसे बड़े बड़े और ऐसा बड़ा और ऐसा मनुष्य लोक में दिखेगा कभी, और फिर भी उसने तो बना लिया। और जब उसने ही जान लिया तो भगवान क्यों नहीं जान पाएंगे। तो इस तरह से उसे सिद्ध किया कि यदि ये सब नहीं जाने तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या, और पूरा सुनिश्चित जानते हैं इसलिए प्रामाणिक, और क्यों जानते सुनिश्चित कि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेत्व गुण नाम का एक सामान्य गुण, और वो उसके गुणों में भी उसकी पर्यायों में भी पूर्ण सुनिश्चित। तो यहाँ प्रमेत्व गुण और वहां प्रमाणत्व, प्रमेत्व की सिद्धि किसके बल पर कि वो प्रमाण ज्ञान जान रहा, उस ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार कि जैसा यहाँ गे है बिल्कुल वैसा जान रहे। तो यहाँ वो गे पर्यायों की अपेक्षा पूर्ण सुनिश्चित होंगे, तब तो वो ज्ञान सुनिश्चित जान लेता होगा ना, और यदि ये अनिश्चित होती तो फिर ज्ञान सुनिश्चित जान पाता, वो भी अनिश्चित जानता, पर केवल ज्ञान पूर्ण सुनिश्चित जान रहा है, इसका मतलब कि यहाँ प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय अपने अपने समय पर पूर्ण सुनिश्चित, इतना गजब का ये केवल ज्ञान, यानी क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए इतना गजब का सिद्धांत, सिद्धांत कहने की अपेक्षा प्रकट पर्याय की योग्यता कि उसमें सब कुछ झलक रहा। देखो इसको ऐसा नहीं, यहाँ दर्पण लगा हो तो आप लोग यहाँ बैठे तो बिल्कुल जैसे बैठे वैसे ही झलक रहे, और आपने इसको देखा तो मान लो ये बहन यहाँ बैठे, अब उसमें दिख जाए यहाँ बैठे, तो आप क्या कहोगे, दर्पण गड़बड़। क्यों गड़बड़, क्यों के तो यहां बैठे और उसमें तो यहां दिख रहे इनके बगल में, तो उसको प्रामाणिक मानोगे, कब मानोगे कि जिस क्रम से यहां बैठे बिल्कुल उस क्रम से वहां झलके, और जैसे यहां बैठे बिल्कुल वैसे सब कुछ वैसा का वैसा, तो सत्य मानोगे ना। तो दर्पण की प्रामाणिकता का आधार कि जैसे ये है बिल्कुल वैसा का वैसा झलके, चाहे इनके प्रमेत्व का आधार यानी ये ऐसे ही बैठे कि देख लो ना उसमें कि झलक रहा ना ऐसा, इसका मतलब ये ऐसे बैठे, तो इनके भी प्रमेत्व की सत्यता का आधार वो ज्ञान वो दर्पण, और दर्पण की सत्यता का आधार ये प्रमेत्व वहां प्रमाणत्व, तो
प्रमेय तो जैसा जैसा व्यवस्थित ज्ञान में वैसा वैसा झलक रहा, ये ज्ञान की सत्यता। और जैसा जैसा वहां झलक रहा बिल्कुल ऐसे ही सुनिश्चित, ये इन गेयों की यानी प्रेमियों की सत्यता। दोनों का संबंध आचार्यों ने अनिवार्य कहा, यानी रोक नहीं सकते आप किसी भी कीमत पर। बाकी संबंध तो कृत्रिम है तो वो टूट सकते हैं, पर गेय गया एक संबंध ये अकृत्रिम, ये कभी टूट नहीं सकता, बल्कि स्वरूप लीनता के बल पर जहां पूरा ज्ञान विकसित हुआ तो वहां और ज्यादा हो जाएगा। अपने साथ गेय गया एक संबंध कितने से पदार्थों का बन रहा, अपन उतने में ही परेशान हो जाते। और भगवान के साथ सारा लोकालोक, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का। देखो अपन तो भूतकाल से परेशान है ना, सभी बहुत याद आता, परेशान बहुत हो जाते। हम तो सामायिक में बैठते ही इसलिए नहीं, ये आगे प्रकरण अपने यही आने वाला, ये बिल्कुल आम समस्या है कि सब स्वाध्याय में तो फिर भी परिणाम स्थिर रहते, और जहां सामायिक को बैठे वो पता नहीं कहां कहां उपयोग घूमता। हम तो इतने घबरा जाते कि हम तो छोड़ के उठ जाते कि भाई इससे अच्छा ही स्वाध्याय बढ़िया, कम से कम शांति तो बनी रहती। जब इतने से गियों के जानने से घबरा जाते हैं, क्योंकि कितना जान पाते बोलो, वो थोड़ा बहुत ही भूतकाल अपने को याद आता होगा, पूरा तो भूतकाल जानते नहीं। यानी बचपन से आज तक जितना जीवन बीत गया एक एक समय का पता है अपने को, वो कुछ मोटी मोटी घटनाएं पता, तो उतने से ही जब इतने घबरा जाते, बस इसीलिए तो सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो रही। वो पचाने की क्षमता तो होनी चाहिए ना, जो कहावत है ना, गंजे को नाखून नहीं मिलते। क्यों, गंजा है तो सिर में तो खूब खुजली होगी, अब नाखून मिल जाए तो वो तो खुजला खुजला कहेगी लहू लोहान हो जाएगा। तो इतना सा ज्ञान होता उतने से ही हम इतने परेशान हो जाते, क्योंकि भगवान हम नहीं जाने तो बच्चा हमें तो बेहोश कर दो। क्यों, अरे जानेंगे नहीं ना, कम से कम यानी तकलीफ रहे उससे हमें उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती, महसूस हो उससे ज्यादा परेशानी होती। तो असह्य होने लगे तो डॉक्टर साहब बेहोश कर दो प्लीज, ये पर कुछ जान नहीं पाओगे ना, चलेगा वो, पर ये भी तो नहीं जान पाएंगे ना, तो साता से तो पड़े रहेंगे ना। बोलो, इतना खतरा लगता अपने को ज्ञान से, यानी अवचेतन दशा स्वीकार, कुछ नहीं जाने ये स्वीकार, तो ऐसे गंजों को केवल ज्ञान क्यों मिलेगा, क्योंकि वे तो फिर और अनंत दुखी हो जाएंगे। यानी अभी थोड़ा सा जानते हैं वो उतने में इतने परेशान हो जाते, यानी अभी तो मात्र इन्होंने कुछ कहा होगा आपके संदर्भ में उल्टा सीधा, तो बस इतना सही जान पाए ना, अब इतने में परेशान हो गए, अच्छा इन्हें हमसे ऐसा कहा, हमारे प्रति ऐसा भाव रखते, अब उतने में ही आपका दिन रात। यदि सर्वज्ञ हो जाओगे तो क्या होगा, अभी तो अकेला कहा हुआ जाना, फिर तो, और अकेला वर्तमान का नहीं, भूतकाल का और भविष्य का और सारे विश्व का, फिर क्या होगा। बस इसलिए ही नहीं मिलता कि कम से कम थोड़ी सी चैन तो है। यानी जब तक पचाने की योग्यता नहीं होगी तो वो प्रकृति भी ये व्यवस्था करती कि इनको दो ही मत, इसलिए नहीं मिलता। ये ज्ञायक संबंध अनिवार्य, किसी के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, और पूर्ण सुनिश्चित। तो सर्वज्ञता इस बात की सिद्धि कि विश्व का संपूर्ण परिणमन पूर्ण सुनिश्चित, वहां हिलने के लिए अवसर नहीं। और ये बुरा प्रसंग नहीं है, अपने लिए हितकारी प्रसंग। देखो सुनिश्चितता में अपन भी राहत महसूस करते। देखो एक सामान्य सा उदाहरण ले,
मैं 5 पुस्तकें ले आऊं और आपसे कहूं जरा आप खड़े होइए और ये 5 पुस्तकें जिनको आप चाहें दे दीजिए। कर दोगे इतना सा काम कि दीदी हाथ जोड़ो, आप तो यहां मेहमान जैसे हो, हम यहां के रहने वाले, जिन 5 को देंगे वे खुश होंगे कि नहीं होंगे भगवान जाने, पर बाकी ये 45 दुश्मन हो जाएंगे। अच्छा तुम्हें अधिकार मिला तो हमें छोड़ दिया, तो हम भी बताएं तो हमारा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, हमसे ये काम नहीं होगा। बोलो इतना सा काम आपको कठिन लग रहा? अब मैं कहूं आप उठिए, एक इनको दे दीजिए, एक इनको दे दीजिए, ऐसे 5 में नाम बता दो। हाँ अभी तो बोलो सुनिश्चितता में शांति मिली कि अनिश्चितता में? यानी आप सुनिश्चित बता दो किनको देना, तो जो भी होगा वो आपके साथ होगा, यानी राग द्वेष का आपके ऊपर लांछन आएगा, हम पर नहीं आएगा। और यदि हमें सौंपते हो तो हमसे तो ये काम होने वाला नहीं। बोलो तो पूर्णतया सुनिश्चित परिणमन, ये तो सुखद है ना, भगवान उसको जान रहे। ये जो भी ज्ञानी जान लेते उनका जीवन निश्चिंत हो जाता। अभी जो अपन ने भजन की पंक्तियां पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था, काहे होत अधीर आदि। अधीर क्यों होते, सब सुनिश्चित। देखो बिल्कुल सामान्य सा मनोविज्ञान, आपकी बहू गर्भवती है, डॉक्टर क्या ले गए, उसने कहा सब इस तारीख को डिलीवरी होगी। मान लो उदाहरण के लिए कि 1 मई 19 तारीख थी, आज तो कितने 23 अप्रैल, तो अभी 7 दिन शेष है, अब क्या करूं? हे भगवान आज तो अभी 1 ही दिन कटा, अब 6 दिन और रह गए, अब 1 दिन और कट गया, 5 दिन। अधीर हो गए, बेचैन हो गए, क्यों नहीं हो गए? उसने कह दिया ना 1 मई को होना है, तो बस आराम से बैठ के इंतजार करो, अब चक्कर काटोगे कि सब अब 4 दिन शेष रह गए। अब कह दिया है ना कि 1 मई के नहीं, अब 2 दिन शेष रह गए, अब कि अब बस 1 ही दिन शेष रह गया, अब कह दिया है ना 1 मई, आप तो सीधे 1 मई को आना। तो अब अपने हाथ में क्या रह जाता कि आराम से बैठ के इंतजार करो। वो जो ऑटोमेटिक मशीन का लिया था ना, उसमें भी यही तो कि सब 15 मिनट में पूरा होगा राउंड, तो हम क्या करें कि आराम से बैठ के, और करना क्या है, कर तो बो रही है, आप तो बस आराम से मस्त अपने ध्यान में भी लग जाए, वो रुकेगी नहीं। तो काहे होते अधीरा रे, कि जब भगवान जान रहे हैं तो अधीर क्यों होते? इस तरह से सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करके अपनी अधीरता समाप्त कर देती। ज्ञानी तो इसके बल पर ही पूर्ण निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए। वो भजन भी शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, याद भी होगा कितनों को ही, हमें को कछु भय ना रे, जान लियो संसार। बहुत भजन तो अनेक अनेक है उसमें, मुझे तो मात्र ये वाला बिंदु, जाकर जैसे जाही समय में, जो हो तव जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। 5 समय आ गए, जिस समय जिसके द्वारा जिस निमित्त से जो होना है जिसमें वो होगा, किसी भी कीमत पर टल नहीं सकता, ये मैंने निर्णय कर लिया, इसलिए मैं अब निर्भय निश्चिंत हूं। जब काय की चिंता, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञान ने गाया है। तो केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता एक क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का सबसे बड़ा आधार, और यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा अपने मन में सर्वज्ञ भगवान पर है
तो हर कीमत पर इसको स्वीकार कर ही लेना चाहिए। और यदि लगे कि नहीं सर्वज्ञ भगवान पर तो श्रद्धा है परंतु, तो अपनी श्रद्धा को भी टटोलना कि कैसे श्रद्धालु अपन, एक तो नहीं है सर्वज्ञ भगवान, अनंत अनंत है और वे सब जान रहे। तो यदि हमने किंतु परंतु का चक्कर लगाया तो कितने भगवंतों के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, अनंत अनंत है तो वे तो जान रहे कि इस समय ऐसा होना, और हम कहें नहीं साहब आपने क्यों जान लिया, ये तो ठीक नहीं है, तो हमें स्वीकार नहीं, क्या कहेंगे भगवान, तुम भक्त है कि विराधक, भक्ति का नाटक करता है और किंतु परंतु लगाता। देखो वाक्य है ना गुरुदेव श्री का, ज्ञान सर्व समाधानकारी तत्व है ऐसा क्यों, ये प्रश्न ज्ञान में नहीं उठता। क्यों, ज्ञान का स्वभाव जानना है, जान ऐसा क्यों हुआ, ये सावधानी कर लेती तो शायद, ज्ञान नहीं है ये अज्ञान है। ज्ञान यानी हर होती हुई घटना सहज स्वीकार, क्यों कि होनहार अकारण है, अहेतुक है, और भगवान ने मात्र उसे जाना है, बनाया नहीं है। तो भगवान को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं कि भगवान आपने क्यों जान लिया ऐसा, तो भगवान कहते कोई मैंने बनाया है क्या, वो तो है इसलिए जान लिया, तो शिकायत किससे करते। तो इसके बल पर जीवन पूर्ण निश्चिंत निराकुल होता। सर्वज्ञता के आधार से कैसे क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने पर अपना जीवन सुखद होता है, इस संदर्भ में भवितव्यता, क्रम एकांत, अक्रम एकांत, क्रम अनेकांत, अक्रम अनेकांत इत्यादि विषय आएंगे, इनकी चर्चा आगे होगी। चलिए प्रश्न निकलिए। चरणान योग के बाद द्रव्यानुयोग रखने का कारण बताइए। अगला, भाव अभाव आदि शक्तियों के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करते हुए एक सौ सोलहवीं गाथा से 125वीं गाथा तक की टीका में आए दो मंत्र वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। अगला, अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम का भाव स्पष्ट करते हुए सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए। बस।